आपको PGWP मिलेगा या नहीं। बहुत कंफ्यूजिंग हो गया यार सबके लिए कि हमें आइल्स देनी है या नहीं, PGWP मिलेगा या नहीं, मिलेगा तो कितनी देर का मिलेगा, एंड क्या हमारे कोर्स से भी फर्क पड़ेगा PGWP पे। ऐसे बहुत क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, बट डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले IRCC ने PGWP मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट से रिलेटेड नई गाइडलाइंस निकाली है, तो वो क्या है पहले वो देखते हैं, उसके बाद आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सिर्फ एक सेकंड में पता कर सकते हो कि आपने जो कोर्स चूज किया या चूज करने वाले हो उससे आपको परमिट मिलेगा या नहीं। ये आ गए हम गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड इसके अलावा किसी पे बिलीव नहीं करना। ऑल्सो मेरा एंड आपका हम दोनों का टाइम बहुत कीमती है, तो हम फालतू की चीजों पे नहीं, हम एक्चुअल में सिर्फ उन चीजों पे फोकस करेंगे जिससे हमें फर्क पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो भाई जिन्होंने November 1, 2024 से पहले अपना PGWP अप्लाई कर दिया या कर देंगे, बिकॉज अभी भी 10-15 दिन पड़े हैं, तो अगर आप November 1, 2024 से पहले अपना PGWP अप्लाई कर दोगे देन प्लीज जाओ, आपके लिए कोई रूल नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, जो पहले था सब सेम है, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल न्यू रूल फॉर यू गाइस, सो यू कैन गो। एंड बाकी लोग लेट्स फोकस नाउ। अब सबसे पहले वो लोग आ जाओ जो ऑलरेडी कनाडा में पढ़ रहे हैं, लैंड हो चुके हैं पर उनकी स्टडी अभी स्टार्ट नहीं हुई, या फिर इवन इंडिया में है बट उनका वीजा आ चुका है, या फिर अपनी एप्लीकेशन वो सबमिट कर चुके हैं, या फिर ऑल्सो अगर वो November 1, 2024 से पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे देन आप भी इसी कैटेगरी में आते हो, एंड आपके लिए सिर्फ एक रूल है विच इज लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। इन सिंपल वर्ड्स आपको IELTS PTE या SELPIP का एग्जाम देना है अपना PGWP अप्लाई करने से पहले, एंड आपको CLB 7 चाहिए अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़े, एंड CLB 5 अगर आप कॉलेज से पढ़े हो। ये तीन इंग्लिश के एग्जाम है जिनमें से आपको कोई एक देना है अपना PGWP अप्लाई करने से पहले। हाँ ज्यादा चुल है तो फ्रेंच भी दे सकते हो। सो इधर उधर की बातें सुन के आई डरना मत कि हमें PGWP नहीं मिलेगा, 3 साल का नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको प्रॉपर 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, बस एक इंग्लिश का एग्जाम देना, दैट्स इट। अब आते हैं एक्चुअल न्यू रूल पे जो उनके लिए है जिन्होंने अभी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। बेसिकली वो जो अभी कनाडा आने के सपने बुन रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी कोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं, एंड अपनी एप्लीकेशन वो November 1 को या उसके बाद सबमिट करेंगे, प्रॉब्लम आपके लिए भी कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट तो आपके लिए भी सेम है, मतलब आपको भी PGWP अप्लाई करने से पहले IELTS का एग्जाम देना पड़ेगा। एक एडिशनल रूल आपके लिए है, वो है फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट। इसमें बस ये है कि आपका जो कोर्स या प्रोग्राम है जो आप कनाडा में आके पढ़ने वाले हो वो लॉन्ग टर्म शॉर्टेज ऑक्यूपेशन से लिंक्ड होना चाहिए, विच सिंपली मींस वो फालतू के बिजनेस वाले कोर्सेज बंद जो हर कोई लेके आ जाता था बिकॉज उसमें जॉब्स है नहीं, तो उसके लिए 3 साल का वर्क परमिट देके क्या ही करेंगे। एंड ऐसे और बहुत कोर्सेज है जिनकी यहाँ नीड नहीं है, एंड जिनकी नीड है उन सारी फील्ड ऑफ स्टडी को इन्होंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एंड एक प्रॉपर लिस्ट भी प्रोवाइड की है जिसमें हर उस कोर्स का नाम है जिसको PGWP मिलेगा। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इस लिंक पे जाना है, एंड डोंट वरी आपको सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ जाके आपने ये PDF डाउनलोड करनी है, इस PDF में वो सारे कोर्सेज है जो कनाडा में पढ़ाए जाते हैं, आपने बस यहाँ आके Ctrl+F प्रेस करना है एंड एक सर्च बॉक्स खुल जाएगा, एंड यहाँ पे आपने अपना कोर्स का नाम डालना है। फॉर एग्जाम्पल हम बिजनेस लेते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंटर, एंड ये आ गया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जनरल। सो आपने इसके आगे वाला ये CIP कोड कॉपी करना है, एंड सिंपली उस वेबसाइट पे जहाँ पे सारी लिस्ट गिवन है वहाँ पे भी एक सर्च बॉक्स है, वहाँ पे जाके इस कोड को पेस्ट कर देना है, एंड पेस्ट करने के बाद अगर तो आपके कोर्स का नाम आ गया देन आपको 3 साल का PGWP मिलेगा, बट इस केस की तरह अगर नाम नहीं आया देन आपको PGWP नहीं मिलेगा। सो एक और ट्राई करते हैं, लेट्स गो, मैं IT से हूँ तो IT का ट्राई करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंटर, ये आ गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें भी हम ये जनरल वाला कोर्स चूज करते हैं, सो ये रहा इसका कोड, एंड इसको यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ आके पेस्ट करेंगे, एंड यस नाम आ गया, मतलब 3 साल का PGWP आएगा। सो किसी भी कंसल्टेंट पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है कि वो बोल रहा है कि बेटा आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ ना भरोसा रखो आपका PGWP आएगा, ना यंग जनरेशन हो यार, तुम खुद वेबसाइट खोल के चेक करो, सिखा तो दिया, सिंपल सा तो है, बस कॉपी पेस्ट करना एंड पता लग जाएगा। सो किसी पे भरोसा नहीं करना बिकॉज अपना फ्यूचर अपने हाथ में है, एंड मेजर चेंजेस बस यही है जिनसे जेन्युइनली हमें फर्क पड़ेगा। तो इतनी कोई टेंशन लेने वाली चीज नहीं है कि PGWP मिलेगा या नहीं मिलेगा, PGWP सबको मिलेगा, बस उनको नहीं मिलेगा जिनको अभी भी अपना कोर्स सिलेक्ट करना नहीं आएगा। सो आप उन जैसा मत बनना, एंड अपना कोर्स देख के एंड सोच समझ के सिलेक्ट करना है। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, या फिर आप मेरे को Instagram पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।